कोरोना जैसी महाबीमारी के बीच में एक सुखद खबर आ रही है। खबर दरअसल यह है कि जो ह्यूमन ट्रायल्स होना था वो शुरू हो चुका है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल गोरखपुर में हुआ, जहां 8 लोगों को टीका लगाया गया और अभी तक ये सफल माना जा रहा है। जो अभी तक की जो खबरें हैं, आपको बताते हैं कि डॉक्टर सोना घोष डायरेक्टर राणा हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरीके से डॉक्टर की टीम वहाँ पर लगी हुई है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए दवा विकसित करने की कोशिश जारी है। इस कड़ी गोरखपुर के एक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि देश में 12 संस्थानों को क्लिनिकल परीक्षण के लिए चुना गया था। इन सब के बीच में कोविड-19 के टीका कोवैक्सीन का मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण शहर के गोरखपुर शहर के राणा अस्पताल में एंड ट्रामा सेंटर में शुरू हो गया। अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सोना घोष की माने तो परीक्षण की शाम डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह और डॉक्टर सोना घोष की निगरानी में पूरा परीक्षण किया जा रहा है। अब तक 8 लोगों की उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें टीका लगाया गया है, जो 48 घंटे हो चुके हैं और अभी तक सब कुछ सफल है। और इन सब के साथ में जो अन्य लोगों पर फिलहाल जो लगाया गया है टीका, 8 लोगों को उनकी लगातार उनकी निगरानी भी की जा रही है। राणा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर कोविड-19 के स्वदेश में विकसित पहले टीके का 8 मनुष्यों पर क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए चुने गए 12 संस्थानों में से एक। इनमें से 8 डॉक्टरों की टीम है। इनके उसके अलावा हॉस्पिटल में स्टाफ और अन्य लोग भी सम्मिलित हैं। फिलहाल हम सभी को इस बेहतर खबर का इंतजार है कि जब पूरे तरीके से सभी लोगों के लिए खबर आएगी कि क्लिनिकल परीक्षण पूरी तरीके से सफल लोगों को लगाया जा सकता है। हम सब की इसी उम्मीद इसी आशा के साथ में ईश्वर से कामना करते हैं कि यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल हो। गोरखपुर से सैयद अली के साथ कैमरामैन नवाजी हसैन की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपका नाम और आपकी संस्था का नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सोना घोष, डायरेक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। और जो आपके यहाँ वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो कब शुरू हुआ और कितने लोगों को दिया गया है? देखिए, हम लोग बहुत लकी हैं कि गोरखपुर को वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक सेंटर चुना गया और ये लगभग 1-1.5 महीने पहले से इसकी तैयारियां चालू हो गई हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने वॉलंटियर्स का चयन किया है। एक्चुअली ये फेज़ 1 ट्रायल शुरू हुआ है, तो इसमें वॉलंटियर्स का चयन हुआ है और हमारे सेंटर से 8 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और इट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट ऑल ओवर इंडिया, अगर सारे सेंटर्स का देखा जाए तो फेज़ 1 ट्रायल के लिए जो 375 लोग चयनित हुए थे, वो 375 लोगों पे ही होना था, तो वो 375 लोग पूरे हो चुके हैं और फेज़ 1 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अभी आपकी स्थिति क्या है उन लोगों की और टोटल मतलब उनकी कितने लोग की निगरानी में है? वो सारे के सारे वॉलंटियर्स जिनको वैक्सीन लगी है, दे आर ऑल परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया है वो लोग। और डे टू डे हम लोग टेलीफोनिक मॉनिटरिंग करते हैं। 2 दिन पहले यानी कि 30th को उनको वैक्सीन लगी थी और उसके बाद उनको 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद सबको अपने अपने घर भेज दिया गया है और हम लोग अपना टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करके उनसे पूछते रहते हैं। सब लोग एकदम अच्छे हैं, किसी को ईश्वर की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसमें आपके टीम जो है, संख्या हम जानना चाहेंगे, उस संख्या कितनी है, कितने लोग हैं इसमें लगे हुए आपके? जी, मेजर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं, लेकिन आवर स्टाफ इज आल्सो इन्वॉल्व, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8+ टीम है।